देखते हैं स्ट्राइक क्या करेंगे अब यहाँ पे टाइटन। ओ भैया देखो स्ट्राइक ने स्ट्राइक कर दी है। अब मैं इतना कह सकता हूँ ये बंदा नहीं छोड़ेगा भाई मैच अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्राइक के कंट्रोल में, बेशक 2-1 से पीछे है। और डेजर्ट का इस्तेमाल किया है, डेजर्ट का इस्तेमाल किया है, रूल ब्रेक हुआ है यहाँ पे स्ट्राइक की तरफ। এইখানে কি হয় আমি আপনাদেরকে বলি, মানে টুর্নামেন্টের রুলস অনুযায়ী আমি 3 রাউন্ডের বেশি ডেজার্ট ঈগল ইউজ করতে পারবো না। সেখানে আমি 4 নম্বর রাউন্ডের ডেজার্ট ঈগল নিয়ে নিই, যেই কারণে আমি রুলস ব্রেক করছি, আমাকে এলিমিনেটেড করে দিতেছে। তারপরে ব্ল্যাক শাউট ভাই, নেক্সার ভাই, আমাদের গিল্ডের লিডার নেক্সার ভাইরে কল দেয়। কল দিয়ে বলতেছে, তুমি কি স্ট্রাইকের কোনো রকমের রুলসের কথা বলো নাই? কারণ আমারে কোনো রকমের রুলসের কথা বলা হয় নাই, তার জন্য আমি জানি না, আমি ইউজ করে ফেলছি। তারপরে কি হয় আপনারাই দেখা নেন। তুমি তো ডাবল শট মারা। হ্যালো, আরে ম্যাক্স স্যার ভাই, यार मैंने आपको एक दिन पहले किया, जिस दिन टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था उस दिन पहले रूल भेज दिए थे यार सब। हां ग्रुप, अरे अरे वो सब ठीक है। आप ये बताओ, आपने बोला था एक दिन बाद, और सारी डिटेल कब होती है शेयर? जब ग्रुप में सारे बंदे ऐड हो जाते हैं, होती है नहीं होती? अरे देखो स्टार्टिंग में पहले दिन आपने बोला था मेरे को उनकी जगह पे ऐड कर दो। आपने मेरे को अपना नंबर दिया था, नहीं दिया था पता? दिया, मैंने ऐड कर दिया आपको, है ना? अब फिर आपको जो आपके पास जो रूल्स वगैरह सारी डिटेल आई आपको फॉरवर्ड करनी थी ना उनके पास, या नहीं? अरे तो आपको यार अपने बंदों तक जो पुरानी डिटेल आ चुकी है ग्रुप में, अपने बंदों तक शेयर करनी थी नहीं करनी थी, ये बताओ। तो मैच नहीं था, अब ये बताओ मैच नहीं था। मैं अब देखो, मैं मैच से पहले भी रूल्स देता हूँ, ठीक है? अब मैंने रूल्स सारी डिटेल्स टूर्नामेंट की एक सब जब बंदे सब ऐड हो जाते हैं ना उससे पहले दी जाती है। अब ये बताओ, कोई टूर्नामेंट कराएगा वो बंदा? सुनो, आप एक टूर्नामेंट करा रहे हो, ठीक है? 30 बंदे ऐड करोगे, जब पूरे ऐड करोगे तभी तो सारी डिटेल भेजोगे ना, सुन रहे हो ना? हाँ, और आपने अरे यार फिर यार उस बच्चे की भी गलती नहीं है यार स्ट्राइक की यार। नहीं ब्रो, रूल में एक दिन पहले दे चुका हूँ ऑलरेडी ना, मेन डे तो दे चुका हूँ। उसके बाद तो मैं लिस्ट बार बार, मैं मैचों की लास्ट रिमाइंडर मैच में 2-3 बार दी है। मैच का देना होता है ना ज्यादा। चलो एक सेकंड, फिर मैं स्ट्राइक बीटी को बुलाता हूँ, एक सेकंड रुको। ओके ब्रो, मैं देखता हूँ सॉल्व मैटर। ओके, मैं बस सॉल्व करता हूँ। ओके, चलो ठीक है, मैं भी एक बार बात कर लेता हूँ अपने से, ठीक है? ओके। हेलो ऑल, मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ है। अपना बंदा था नेक्सर भाई टूर्नामेंट में ऐड हुए थे, उनकी जगह पे याद हो तो, ठीक है? नेमन डेसीएस भी राउंड था। और कैलेंडर, एक सेकंड मेरे को कैलेंडर देख लो मैम। नेमन नहीं रे, नेमन डेसीएस भी राउंड था, ठीक है? तो नेक्सर भाई ने बोला मैं उनका एक दिन पहले रख लूंगा, ठीक है? बंदों को रूल्स वगैरह सब डिटेल भेजूंगा। पर नेक्सर भाई ने उसी दिन मेरे को 1-2 दिन बाद मैसेज कर दिया कि मेरी जगह इनको ऐड कर दो। फिर उसके बाद जब बंदे ऐड हुए, हमने उसमें रूल नहीं भेजे क्योंकि हम ऑलरेडी रूल्स भेज चुके हैं। तो उन बंदों को नेक्सर भाई भी नहीं बता पाए और ना हमने बताया। पर हम कैसे बताते, क्योंकि देखो सारी डिटेल एक साथ शुरू में मैंने कितनी बार डाले हैं यार। अब यार स्ट्राइक भाई, तुमने स्ट्रीम वगैरह नहीं देखी क्या, क्या रूल वगैरह चल रहे हैं? वही तो हम भी पूछे यार भाई, स्ट्रीम अगर देखे तो भाई मैं इतना बता सकता हूँ। देखो तुम मेरा इंस्टाग्राम भी देखोगे ना भाई, स्ट्राइक भाई, हाँ भाई, मैंने वहां पे भी रूल डाले हुए हैं, मुझे इतना याद है। गाइस इंस्टाग्राम पे कोई है फैमिली वाले ग्रुप में? ये देखो, ये डाले हैं जब पहला दिन शुरू हुआ, ये रूल इंस्टाग्राम के फैमिली में भी रूल डाले हुए हैं मैंने। अब यार मैं पर्सनल नहीं भेज सकता मैं यार किसी को, अब मुझे पता नहीं था। आप ही बोल दो, एलिमिनेट हो गया टाइटन भाई। और ऑलराउंडर क्या, ऑलराउंडर क्या करना चाहिए, क्या सोच रहे तुम? और डेजर्ट से मैं एक भी नहीं मारा, सिर्फ अगर मान लीजिए टाइटन अगर बोलता है कि भाई रूल के हिसाब से तो हम जीत गए, वो तो ये बोलेगा। हाँ
वही तो है, उसके बाद क्या डिसीजन लेना चाहिए। वैसे अगर इसको रूल नहीं पता है, अगर फेयर जी देखा जाए तो स्ट्राइक की भी गलती नहीं है, और अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो ये बाहर है, इस रूल के हिसाब से बाहर है। पर मैं एक मौके की ओर जाना चाहता हूँ, तुम स्ट्राइक को हाँ दिया जाना चाहिए, हम भी इसे बिलीव करते हैं, दिया जाना चाहिए, क्योंकि गलती भी नहीं है बेचारे की यार, हो गया जो हो गया। चार राउंड का गेम कर दीजिए ना, हो जाएगा और क्या। तो गाइज आप लोग क्या सोचते हो? हाँ मतलब कम राउंड्स में कर दीजिए ना, क्योंकि यार भाई को राउंड नहीं बताया था यार। फिर गाइज आप लोग क्या सोचते हो चैट में? पहला मैच जो खेला था उसमें तो मुझे पता नहीं था, उसने भी मैच चलाया था, इसलिए लगा इस बार भी चला सकता हूँ। हेलो टाइटन भाई, टाइटन भाई भाई बैक कर देते तो अच्छा होता, मैं भी मान लेता। हेलो टाइटन, हाँ टाइटन भाई यू हैव टू प्ले अगेन, क्योंकि यार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमने जिस बंदे को ऐड किया था हमें लगा उस बंदे पे रूल है सारी चीजें, देखा, तो उसने देखा। इन बेचारे को रूल नहीं पता है, सो टाइटन भाई ये अनफेयर होगा, चाहे आप भी इसके साथ, आप इसकी जगह भी होते तो, समझ रहे हो। तो चले मैच की ओर फिर। हाँ 13 राउंड का होगा ना? हाँ 13 राउंड का ही देते हैं, रुको टाइटन का मैं ग्रुप बना देता हूँ यार। এখানে দেখতেই পারলেন ছোট্ট একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কারণে আমারে এলিমিনেটেড করে দিতে চাইছিল। এর মাঝখানে এন্ট্রি নেয় টাইটান ভাই, মানে টাইটান ভাই বিগ রেসপেক্ট, টাইটান ভাইয়ের জন্য কিন্তু আমি এখনো আসি এখানে। আর রিম্যাচ করে কি রেজাল্ট বের হয়েছে তোমরা ফুল ভিডিওটা দেখবা, তাহলেই বুঝতে পারবা কি রেজাল্ট বের হলো, আমি কি এলিমিনেটেড নাকি কোয়ালিফাই, টপ 16 এ ঢুকতে পারছি কি পারি নাই। আপনাদেরকে অনুরোধ করব ফুল ভিডিও দেখার। স্ট্রাইক কো মৌকা মিলা হ্যায় ফিরসে, टाइटन ने मौका दिया है स्ट्राइक को, चलो भाइयो। ओके ओए, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। ओए ओए स्ट्राइक बीडी भाई साहब, पिछले राउंड को रूल तोड़ने के बाद भी जीत गए थे टाइटन भाई, स्पैम पे आ गए थे तब भी, पर कोई बात नहीं टाइटन, अब देखते हैं क्या समझ के खेलेंगे नई चीज। अच्छा प्लेयर है भाई टाइटन ने इज्जत दी है, और पर यहाँ पे स्ट्राइक ने इज्जत उतारी है हेडशॉट के साथ। यार ये तो गलत बोल दिया, देख रहे हो इंडिया वालों का दिल कितना बड़ा है, टाइटन का दिल देख रहे हो बीडी वालों, अब तो इंडिया ओपी हो जाना चाहिए टाइटन के लिए, या टाइटन ओपी हो जाना चाहिए। आज 4 घंटे हो गए पर मैच नहीं सुलझ रहा है, अभी 2 मैच बाकी है। देखते हैं स्ट्राइक के सामने टाइटन, आज बनी है फिल्म, देखते हैं स्ट्राइक क्या करेंगे यहाँ पे। भाई साहब टैक्टिकल चला तो स्ट्राइक, ओ ओ टाइटन के पास 2 गोली, बांग्लादेश का ये शेर, बांग्लादेश का ये चीता, बंगाली टाइगर, देखते हैं यहाँ पे सामने टाइटन क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं बांग्लादेशी टाइगर अपना यहाँ पे 2 गोली के साथ क्या करेगा टाइटन के सामने। अभी लगातार कोशिश करते हुए हेडशॉट की, क्या हेडशॉट निकलेंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या होने वाला है। टाइटन आगे बढ़ते हुए 2 गोली के साथ, टाइटन 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 चल भाई कर दे चढ़ाई भाई, स्ट्राइक बीडीआर बंद। अरे भाई ऑलराउंडर ही बताए, पिछली बार रूल इसको नहीं पता थे पर अब पता है ना, मैं बता सकता हूँ सच में टाइटन का दिल बिग है, बट भाई सच बता रहा हूँ मैं, अब तक किसी ने ऐसा मौका नहीं दिया है किसी को, जिसने अपनी जीत का बलिदान देके एक और मौका दिया है यहाँ पे स्ट्राइक बीडी को। अब मैं इतनी बता सकता हूँ, अगर स्ट्राइक बीडी जीता ना भाई, ये बंदा टॉप फेवर से पहले नहीं रुक रहा, किस आपका इसका गेम चल रहा है भाई। हुई स्ट्राइक बीडी, लेट्स सी क्या करेंगे यहाँ पे गाइस, सब स्ट्राइक बीडी का सपोर्ट बहुत है यार, स्ट्राइक को जानते हैं ना लोग बांग्लादेश में गाइस। स्ट्राइक देखते हैं यहाँ पे, अरे भाई ये क्या मार दिया, छोड़ दी आ, ये वो ये जला हुआ पानी भी फूक फूक के पीता है, डेजर्टिकल छोड़ दी स्ट्राइक ने। चलो भाइयों लेट्स गो गाइस, देखते हैं यहाँ पे बीडी साया स्ट्राइक, 2 गोली बचेगी अब। अरे भाई अबे ये तो और ज्यादा टाइटली हो गया भाई, ऑलराउंडर बता रहा हूँ तुम्हें, ऑलराउंडर गेम देख रहा है इसका उल्टेगा, ये बंदा क्या लग रहा है टॉप 4 जा सकता नहीं।
पूरा कॉन्फिडेंस में आ गया पूरा ये तो भैया तोड़ तोड़ रहा है भाई, क्या कर रहा है। स्ट्राइक इज स्ट्राइक अवर नेशनल प्लेयर इन बीडी। अजी हाँ नेशनल प्लेयर है, ओके स्ट्राइक बीडी नेशनल प्लेयर है बीडी के। चलो स्ट्राइक भाई को 4-0 स्ट्राइक बांग्लादेश के प्लेयर। मैं शुरू में इसका इंट्रो दिया था, बहुत तगड़ा दिया था, आपने देखा होगा। मैं जानता हूँ इसका गेम भाई, ये पहले मैच में समझ गया कैसा खेलता है सामने वाला टाइटन। सामने स्ट्राइक बीडी क्या करेंगे यहाँ पे, लेट्स गो स्ट्राइक बीडी। और गाइस जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो यार, 2000 लाइक होने वाली है, सिर्फ 40-50 लाइक दूर है। ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर लो भाइयों, हमारे 1,00,000 होने वाले हो, 92,000 में सिर्फ 100 सब्सक्राइबर कम है। तो 100 बंदो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मान लो, अपकमिंग सीजन भी आने वाला है आपके लिए एक और। तो चलिए देखते हैं आप स्ट्राइक बीडी सामने टाइटन। और टाइटन ने टाइटन गिरी कर दी शुरू, और देखिए 4-1 से कम बैक। चलो छठा राउंड यहाँ पे स्ट्राइक में आप टाइटन, देखते हैं क्या होने वाला है, कैसा ये मैच यहाँ पे। और यू कैसे मार दिया टाइटन ने, तो कुछ अलग ही पलट दिया बार टाइटन, ये क्या था ये देखना पड़ेगा दोबारा से। चलो भाई स्ट्राइक बीडी लेट्स गो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। यस गाइस 2000 लाइक में सिर्फ 40 लाइक कम, तो लाइक कर दो जल्दी। और 92 में सिर्फ 90 सब्सक्राइबर कम है, तो 90 बंदे मिलके मारो सब्सक्राइब, स्ट्रीम को मार दो शेयर, और स्ट्राइक बीडी का ले लो हेडशॉट। चलो क्या टाइटन एक और मारेगा भाई, टाइटन में दम है, टाइटन में दम है, मैं आपको बता रहा हूं टाइटन में दम है भाई। ये टाइटन वैसे टाइटन का नाम है, पर टाइटन तो असलियत में डायमंड निकला ऑलराउंडर भाई टाइटन असलियत में डायमंड निकला, और जो असलियत में डायमंड था वो खोटा सिक्का निकला 7वां राउंड भाई साहब। यार मैं तो अगर उसमें सोच रहा था ना, क्योंकि यार सामने वाले प्लेयर को जब पता है, अगर पता नहीं है कि इसके लिए ये है तो मानते, अगर पता है ना, अगर बंदा बैक नहीं कर रहा और बता रहा है मुझे पता था बैक नहीं किया। 8वां राउंड टाइटन रेडी, स्ट्राइक बीडी ने स्ट्राइक कर दिया पूरी तरह, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, कैसे बैटल। नहीं भाई जेरोक्स नहीं है इस टूर्नामेंट में, कॉम्पिटिशन मैच नहीं खेला है बहुत टाइम से, इसलिए देखते हैं टाइटन 8वें राउंड में क्या होने वाला है। स्ट्राइक तैयार टाइटन के सामने, टाइटन लेफ्ट राइट घूमते हुए भाई साहब स्ट्राइक, यार ये बंदा कुछ करके जाएगा, देखते हैं क्या होगा अब यहाँ पे। टाइटन ने पैक कर लिया अपने आप को, टाइटन तैयार स्ट्राइक बीडी के सामने, कैसा ये बैटल होने वाला है भाइयों। और पर टाइटन ने एक और कमबैक वाला हेड मारा है, 5-3 टाइटन भी कम नहीं, देखते हैं यहां पे टाइटन आगे बढ़ते हुए 2 गोली के साथ। स्ट्राइक बीडी भी तैयार, स्ट्राइक के सामने टाइटन क्या करेंगे यहां पे। 9वें राउंड की फाइट चलती हुई फैमिली, स्ट्राइक के पास 2 गोली है, टूर्नामेंट का ये इलिमिनेटर मैच, जो हारेगा बाहर, जो हारेगा इस टूर्नामेंट से बाहर। क्या यहां पे क्वालिफाई करेगा टाइटन कमबैक मार के, फिर स्ट्राइक 2 राउंड और लेके, देखते हैं टाइटन। ओए क्या होने वाला है यहां पे, टाइटन पूरे तरीके से तैयार, स्ट्राइक बीडी टाइटन, स्ट्राइक बीडी टाइटन, दोनों प्लेयर गोल गोल, और ये शॉट बच गए, देखते हैं क्या होने वाला है ये वाला मैच, जिस ओर जाएगा ये वाला मैच। लेट्स सी गाइस कैसा ये बैटल होने वाला है भाई, ये मैच 5 बजे होना था और हो रहा है 7 बजे। और देखिए यहाँ पे स्ट्राइक बीडी का एक और है, 6-3 ऑलराउंडर भाई, 2 घंटे लेट चल रहे हैं, वही होता है प्लेयर के गलती से गाइस। ये बताओ इस टूर्नामेंट को विन करने के चांस किसके लग रहे हैं आपको, आपने 32 के 32 ऑलमोस्ट प्लेयर का गेम देख लिया, अभी 2-4 प्लेयर रह गए हैं, तो बताओ कौन। मेरे को जॉय बॉय टॉप 4 में लग रहा था, वो बाहर हो गया, एंग्री कैनी और तीसरा प्लेयर मैं गुरी को ले सकता हूं टॉप 4 में। आपको टॉप 4 कौन लग रहे हैं बताओ,
टॉप फोर के नाम बताओ गाइस। मैडमैक्स, मैडमैक्स यार टॉप एट में फंस जाएगा जब एक्यूरेसी आएगी ना सामने मैडमैक्स की, क्योंकि मैडमैक्स यार रफ्तार से खेलता है वो बंदा, उस बंदे का ऐसा है सामने कैसा भी प्लेयर आ जाए खुल के खेलेगा, बेशक हार जाए इस वजह से मैडी हारता है, वो अपना गेम नहीं बदलता, उसे गेम दिखाना पसंद है इस वजह से। देखते हैं छह तीन और भैया क्या लगता है स्पैरो और तेरी करवेटर और भैया अच्छे तो नाम कैड़ा कैड़ा ला रहे हैं, कौन बनेगा अच्छे लाइटनो का इस मैच के बाद अगले से अगले। देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या होने वाला है, बीडी स्ट्राइक बीडी तैयार है पे, ओके 7-3 से मार दिया हेडशॉट। अब बीडी की पब्लिक कहाँ है वे चैट में, बीडी वाले कहाँ गए, चलो भैया बीडी के बंदे ने पहला मैच मार लिया है अपने कब्जे में ले लिया।